कस्बा कहनला कैराना मार्ग पर सड़क हादसे में 55 वर्षीय कस्बा कहनला के मोहल्ला खेल निवासी नरेश सैनी नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके चलते मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब नरेश नाम का युवक अपने एक अन्य साथी के साथ बाग का काम निपटाने के बाद अपनी बाइक पर सवार होकर कहनला लौट रहा था। जैसे ही बाइक कहनला कैराना मार्ग पर ऊंचा गांव के समीप पहुंची तो वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई, जिसके चलते नरेश नाम के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतक को कहनला सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। कहनला न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। ये जी जान पड़े जा रहे थे, बाइक चला रहे, मास्टर जी मैं पीछे बैठा था, तो जैसे रोड पे चढ़े चलते हुए आगे से ट्रक खड़ी हुई थी, हम साइड लेने लगे, ट्रेलर हमें दिखी नहीं, तो उनका एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, मैंने उठाया साइड में लगा, वहाँ पे बाइक कटी होगी, फोन नंबर फोन का फोन नहीं उठाया। उसके बाद जो है मैंने गाड़ी देखी तरह से, अरे कोई हल लगा बंदा, एक गाड़ी पीछे थी, मैं गाड़ी में देखा हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर ने उनकी मृत्यु कर दी। करीब 8-15 पे यहाँ पे लाए तो इसको ना एक्सीडेंट हुआ हुआ था, रोड पर एक एक्सीडेंट था और इसके साथ में जो लेकर आया था वो अरशद जन था। ये बता रहा था कि एक ट्रॉली खड़ी थी तो उससे जो इसकी टक्कर हुई। इसका हमने बीपी वीपी लिया तो उसका बीपी नहीं आ रहा था, हमने कोशिश भी करी इसमें, इंजेक्शन वगैरह सब दिए और लेकिन उसका बीपी जो है बढ़ा नहीं, तो मतलब गैस करता हुआ आया तो एक्सपायर था उस टाइम आया एक तरह से, तो उसमें जो है कोई वो नहीं था। और फिर उसके बाद जो है हमने पुलिस इंफॉर्मेशन दे दिए, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था तो इनके घर के भी नहीं थे इनके साथ में, और घर को वालों को भी फिर बुलवाया गया तो उनको बताया, जो जैसे जैसे था यहाँ पर जैसे लाए थे, तो उसके बाद जो है जैसा भी है इनको ब्रोड डेड इसको इनको सौंप दिया जो इनके घर के थे डेड बॉडी को, और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जैसा जाएंगे करें